अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है, कैसे आप लोग। मैं एकदम, लाइट की बहुत कमी है तो गाड़ी की एक ऐसी स्पॉटलाइट रहती है ना, मैं उसमें कैसे कैसे करके इंट्रो बना रहा हूँ क्योंकि रात हो गई, बाहर भी कहीं इतनी लाइट नहीं रहेगी। मैं ऐसे ही काम खत्म करके घर आया तो मम्मी और मैं ऐसे ही प्लान बनाए कि बाहर डिनर पे चलते हैं। मैंने चलो कहीं आप जहाँ बोलो वहाँ जाएंगे। मुंजरीन तो उसकी मम्मी क्या गई है, अफान का बर्थडे था और गौहर का था, भाभी का बर्थडे था तो वो सेलिब्रेट करने के हिसाब से, तो मैं और मम्मी बोले चलो हम लोग ऐसे डिनर कहीं प्लान करते हैं और जाके आते हैं। हम लोग अभी उतर गए नीचे, नहीं अब तक डिसाइड कर रहे हैं कि जाएंगे कहाँ। ऐसा सोच रहे हैं कि एरिया में ही डिनर कर लेते हैं, फिर ड्राइव पे कहीं ऐसा लंबा चलते हैं, या तो फिर कहीं ड्राइव पे ही जाते जाते कोई रेस्टोरेंट ढूंढ ले गए। जैसे कि मैं मम्मी के साथ जा रहा हूँ तो एक बात याद आ गई कि जिंदगी लंबी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ उसमें माँ बाप जरूर चाहिए। सही बात है कि नहीं मम्मी। अगर ये मेरे व्लॉग 70-80 उम्र वाला भी कोई देख रहा रहेगा ना, मैं 100% श्योर हूँ वो एज में भी उनको उनके माँ बाप की जरूरत और याद आती होगी। माँ बाप तो हर उम्र में चाहिए और वो ऐसा एक रिश्ता है जो कभी रिप्लेस नहीं हो सकता। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, घर से निकले गाड़ी में बैठे और फौरन उतर गए क्योंकि मम्मी को मैं बोला दूर कहीं चलते हैं खाने, तो मम्मी बोले नहीं नजदीक में खा लेते हैं, चाहिए तो फिर ड्राइव पे कहीं चले जाएंगे। तो हम लोग आए हमारा शालीमार। चलो हाँ, और एक मिनट सुनो किचन के साथ। अच्छा मैं ये कह रही हूँ कि जब जोगेश्वरी में इतने रेस्टोरेंट है तो हमको दूर जाने की कोई जरूरत नहीं होती है। बहुत है, नो डाउट। इतना दूर खास खाने आते हैं। अभी ये इतना थक के आया और बोलता है चलो दूर। मैं बोली नहीं बेटा नजदीक आ जाओ। ये रोड यहाँ से दिखता है तो टाइम पास होता है, तो ये टेबल पे बैठ जाते हैं। मम्मी गए हैंड वॉश करने, वहाँ पे हमने मंगाए हैं चिकन भुना जो कि मेरा फेवरेट है, और मम्मी के लिए मटन निहारी, और ये दो बटर तंदूरी रोटी मेरी, और दो बटर नहीं, दो सिर्फ तंदूरी रोटी मम्मी की, मम्मी को बटर रोटी नहीं पसंद। तो आप बिस्मिल्लाह करते हैं। मुझे सिर्फ पराठे पसंद है बेटा, और जो तुम्हें नहीं पसंद है, तुम नहीं खाते ना घर में पराठे, इसके लिए हम वो पठानी पराठे खाते हैं। मेरा तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ये बच गई मेरी ग्रेवी, और ये मम्मी की तो बोले दोपहर में काम आ जाएगा। तुम और लेके कितना बस मम्मा, हाँ हड्डी पर हड्डी क्या पूरे सालन में हड्डी थी, पूरे सालन में हड्डी थी। अरे अच्छा नहीं है माशाल्लाह, दबा के उसमें क्या अल्लाह का शुक्र। अरे लेकिन मैं हड्डी नहीं खाती हूँ। वो हड्डी नहीं खाते इसलिए ऐसा बच गई है। जब खाना नहीं खाए थे पेट खाली था तो ऐसा लग रहा था जैसे ही डिनर होगा तो लंबी कहीं ड्राइव पे चले गए, लेकिन जैसे ही खाना खाया ना इतनी सुस्ती चढ़ी, तो मम्मी और मैं डिसाइड किया कि यहीं लोकड़वाला यारी रोड दरगाह ये सब जगह थोड़ा ऐसा घूम के आते चलते हैं थोड़ा ड्राइव पे। बारिश भी शुरू हो गई है, इतने टाइम बाद बारिश हुई है, या अल्लाह मज़ा आएगा। अब थोड़ा मौसम ठंडा हो जाएगा। पता नहीं क्यों अचानक सर दुखने लगा तो रास्ते में मेडिकल आई, मैं बोला रुक के दवा ले लेते हैं, मम्मी गाड़ी में ही बैठे हैं। माशाल्लाह गाड़ी क्या लग रही है, इंक्वायरी करना है तो कास्ट फॉर यू करके पेज है इंस्टाग्राम पे। सो राउंड करते करते हम लोग आ गए हैं वर्सोवा, तो सोचे दरगाह पे सलामी दे देते हैं। माशाल्लाह से क्या शाही गेट है और बड़ी ही खूबसूरत दरगाह है ये वर्सोवा वाली। अब ये देखो भाई लोग की ड्यूटी, ये भी किसी के शौहर बेटे हस्बैंड हो गए, कितना डिफिकल्ट काम है। ये कचरे की वैन रहती है, डब्बे रहते हैं, मतलब अल्लाह आसान आ गया। माशाल्लाह थक गए लेकिन हाथ में पसारे देखो, एक हाथ से पकड़ा, मैं बोला एक क्लिप तो ले लेते हैं। मेरा बैग भी पकड़ लिया। हाँ मैं बोला वजन ना पकड़ो, माँ बाप की खिदमत करो। अल्लाह भाई गाड़ी में बैठे बैठे थक गए, अभी ऐसा लग रहा है सिर्फ लेट जाऊँ। और गुलजार साहब ने क्या प्यारी बात कही है, गौर फरमाई है, जिंदगी में बहुत कुछ मिल जाता है, जिंदगी में बहुत कुछ मिल जाता है, बस हम गिनती उसी चीज की करते हैं जो हासिल ना हो सका। गुलजार साहब की बातें, उनकी दो दो लाइन वाली वो जो लिखते हैं पूरी जिंदगी के ऊपर, वो बात ही अलग है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आज है जुम्मा, मैंने पहना हूँ ये सबर वाला टी शर्ट। मैंने जैसे ही सुबह पहना मम्मी देखे बोले ये चीज की सब लोगों में बहुत कमी है, ये सबको रोज पहनना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर और आप में हर एक लोग में सबर का जो वो क्या बोलते हैं मादा रहता है वो बहुत कम है, लेकिन यकीन मानो इसका मर्तबा बहुत ऊपर है, इसका अजर बहुत अच्छा है। अगर जिसने सबर कर लिया अल्लाह ने बोले पहाड़ रास्ता दे देते हैं, कितनी बड़ी बात है। तो सबर करो, बोलना इजी है लेकिन करना है हमें इंशाल्लाह।
ये गाड़ी रात में बहुत गंदी हो गई थी ना, मैं सोचा सुबह सबसे पहले उठ के इसको वॉश करा देंगे। यस, मैं नीचे उतरा और क्या बारिश हो रही है मस्त। मैं जा रहा हूँ एक्चुअली जैद के यहाँ पे, थोड़ा वहाँ पे काम था। सो ये है जैद की ऑफिस, लेकिन बारिश ऐसी हो रही है, बाप रे। मैं तो भीग जाऊंगा, मतलब एक सेकंड में भीग जाऊंगा। भाग के जाना पड़ेगा, गाड़ी पहले अच्छे से लॉक वॉक कर देते हो और थोड़ा भागना पड़ेगा। 1 2 3 गो। बाप रे, क्या लग रही है माशाल्लाह गाड़ी। ये फॉर्च्यूनर 2011 की है, 7.5 लाख रुपए में बेचना है। जिसको भी चाहिए वो कार्स फॉर यू पे इंस्टाग्राम पे पेज है, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसकी ऑफिस है ऊपर, यहाँ ये किचन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, किचन बहुत अच्छा है। हुआ लंच तुम्हारा? खाएंगे अभी। चलो ठीक है, लेट्स गो। आप ये क्या रूम है? ये ऑफिस है। अच्छा, ये ऑफिस है। अरे वाह माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत है। एडिटिंग रूम भी अंदर। अच्छा, अंदर एडिटिंग रूम है। कोई है क्या? रहने दो, फिर काम चल रहा है, बाद में अपन एक टूर कराएंगे बराबर अच्छे से। अरे ये भी बड़ा खूबसूरत बना है। सो हम लोग आए हैं अभी मुंजरीन के लिए शॉपिंग करने, थोड़ी लेकिन अलग चीज़ की। शूज़ ले रहे हैं और पीछे साइकिलिंग भी है आप लोग को, तो इसमें से देख रहे हैं कौन सी बेटर है। तो बोल रही मैं घर में ही थोड़ा 2-3 महीना कर लूँगी, तो हम लोगों ये वाली एक अच्छी लगी ब्लैक। इसमें अच्छा है, बैक रेस्ट भी है पीछे, और यहाँ पे अभी मीटर लगाए गए, वो बच्चे लोग थोड़ा ख़राब करते इसलिए हटा दिए। इस पर बैठ जाता हूँ, ये भी सेम ही है दोनों। खाली टेस्टिंग में पैर बर्न होने लग गए। एक्चुअली मेरे जो ऑर्थोपेडिक है ना, उन्होंने मुझे बोला कि आप साइकिलिंग करो या स्विमिंग। अच्छी लग रही है, अच्छा शूज पहनना कुछ। बिस्मिल्लाह बोलो, संभालो, गिरना पड़ना नहीं भाई। चलो ये जय बात। लाइसेंस है ना, ट्रैफिक के आगे संभालो। और यहाँ से स्पीड स्लो फास्ट होगी, मतलब थोड़ा लूज और टाइट करना है तो। सो हमने फाइनली इसे ले लिया है, अब मुझे ऑटो में जाना पड़ेगा और सैजी अकेले बाइक पर आएंगे। आएगा ना पक्का? मालूम पड़ा सिर्फ साइकिल आई और मैं नहीं आई। भाई तुम आ जाओ ना, एक गए घर पे और अच्छे से सेट भी कर दिया है। मुंजरीन का कहना ये है कि जब मैं करूँगी तो ऐसा मिरर के सामने इसको रख दूंगी और मेरी ये सीट डाल के करूंगी। हो जाएगा? कब से स्टार्ट करने वाले हैं? आज है 29, 2 दिन आराम, उसके बाद नहीं, रोज 3 महीने तक। या तो मंडे से या तो न्यू महीने से, ऐसा कुछ नहीं, वो फिर कभी स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, 3-2 दिन फिर 3 महीना कंटिन्यू रोज करना है। डन, चलो हैप्पी माशाल्लाह। पिंकी प्रॉमिस। ठीक है चलो। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज है जुम्मे का दिन और बहुत सर्दी हो गई है। आवाज़ एकदम, पहले ही नाक से बात करता हूँ और अभी नाक से हो रही है बात, क्योंकि सर्दी की वजह से। एक जोक सुनाना चाहता हूँ। एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं, तो उन लोग का डिवोर्स होने वाला रहता है, तो उन लोग कोर्ट में जाते हैं फैसले के लिए। तो जज अपना फैसला सुना देता है कि आप लोग का डिवोर्स एक्सेप्ट करते हैं, और आज से आधी सैलरी हस्बैंड की वो अपनी वाइफ को देगा लाइफ टाइम के लिए। तो टेंशन की बात है ये, तो लाइफ टाइम के लिए आधी सैलरी वाइफ को देनी पड़ेगी डिवोर्स के बाद। तो उसके अफसोस के बजाय वो बहुत खुश होता है, हंसता है, तो कोर्ट रूम में सब हैरान, ये तो खुश हो रहा है। तो जज पूछता है आप क्यों हंस रहे हो, तो वो बोलता है पहले या पूरी लेती थी, अब एटलीस्ट आधी जाएगी। तो अभी उठे है, नमाज की तैयारी करते हैं। आज बना है घर में चिकन का ग्रेवी, फ्राइज, और रोटी बाहर से मंगाई है तंदूरी।
मैं यहाँ पे अभी मेरा रील बना रहा हूँ, आप लोग को देखना रहेगा तो इंस्टाग्राम पे शेजान शेख के आईडी पे जरूर जाके देखना, बहुत कॉमेडी कॉमेडी रील्स आते हैं। सो एक शायरी बोलना चाहूंगा, इरशाद 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 क्या नौजवानों जवानों बुजुर्गों बुजुर्ग लोगों से बुजुर्ग तो, क्या है बुजुर्ग है ना बुजुर्ग 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 लोगों से जरा एक मिनट मैं वापस आपके पास आता हूँ चेतन जल्दी जरा अदब से बुजुर्ग लोगों से बात कीजिए जरा अदब से बुजुर्ग लोगों से बात कीजिए ये नौजवानी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। वाह 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 बात है इसमें तो मेरे पास से तुम्हारे से मैं मुझे बोलना था ये मेरा डायलॉग था ये मेरा डायलॉग था आज से मुझसे अदब से बात नहीं गाइस मस्ती मजाक अपने जगह रिस्पेक्ट दो बड़े है उम्र है और आपकी उम्र भी यूं जवान बचपन आप, से जवानियां ही जवानी से बुढ़ापा आप भी वो चीज वापस फेस करोगे जो आप दोगे yes. जो दोगे वही पाओगे व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड जो होएगा okay. so, हम अभी रील बना लेते हैं देख लो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दुआ में याद रखिए मेरे डैडी और सबको इंशाल्लाह आते हैं न्यू व्लॉग के साथ अल्लाह हाफिज बस अच्छा चलो रील लो अच्छा ये देखो अदब से बात करना था देखो बुजुर्ग लोगों से चलो स्टार्ट अच्छा बीवियों से भी अदब से बात करना प्यार से पता है हर बीच में मियां बीवी के किस्से आ जाते हर चीज में।